Hey guys, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मुंबई कर और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन लेंसेज के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि DSLR के लिए अलग अलग लेंसेज आपने देखे होंगे, लेकिन स्मार्टफोन्स के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेंसेज आते हैं जिन्हें यूज करके आप काफी डिफरेंट टाइप के इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे ये तो आजकल हम अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार चार कैमरास देखने मिलते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि वो सारे 2 मेगापिक्सल या फिर 5 मेगापिक्सल के होते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। लेकिन कैसा होगा आप अपने मेन कैमरा से, यानी फिर जो आपका सुपीरियर कैमरा है स्मार्टफोन का, उससे ये सारे इमेजेस कैप्चर कर पाए, वाइड एंगल मोड, मैक्रो मोड, फिश आई मोड या फिर टेलीफोटो लेंस वाले, ये सारी चीज़ें आप अपने मेन कैमरा से भी कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं इन लेंसेज के थ्रू। सो आज के स्टूडियो मेरे पास 5-in-1 स्मार्टफोन लेंसेज जो कि आते हैं एडकॉम की तरफ से, जिसकी आज इस स्टूडियो में करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और इसके बाद में आप सभी को इसके सैंपल्स दिखाऊंगा कि इन लेंसेज के थ्रू आपको किस टाइप के सैंपल्स देखने मिलते हैं, टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा खरा उतरता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो बिहाइंड द सीन्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये रहा हमारे लेंसेज का बॉक्स, काफी अच्छे से पैक होकर यहाँ पे आया है। इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एक बार और इसके अंदर हमें देखने मिल जाएगा हमारा जो मेन लेंस का बॉक्स है वो, और कुछ इस तरीके का ये पैकेजिंग यहाँ पे देखने मिल जाता है। इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। ओके, और ये रहा हमारा मेन बॉक्स जो कि लेंसेज का है, जैसे कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। बॉक्स के ऊपर की कुछ चीज़ों की बात करूँ तो आपको यहाँ पे अल्ट्रा 4K लिखा हुआ दिखाई देगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, किस किस तरीके का आपको यहाँ पे लेंस देखने मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ कि इसमें आपको 180 डिग्री का फिश आई लेंस देखने मिल जाएगा, साथ में वाइड एंगल लेंस देखने मिल जाएगा, इसी के साथ में मैक्रो लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली एक टेलीफोटो लेंस जैसा काम करता है, और इतने नए ट्राइपॉड इंक्लूडेड है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया यूनिवर्सल, यानी ये सभी के साथ कंपैटिबल है, चाहे फिर वो आपका स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया या फिर वेबकैम हो गया, सारी चीजों के साथ ये कंपैटिबल है। और बॉक्स के बैक साइड में आपको कुछ फोटोज देखने मिल जाएंगे, यानी आप इन लेंसेज के थ्रू कुछ इस तरीके के इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। अब फटाफट इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने मिलता है और जो हमारा लेंस है वो कैसे देखने मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। सो गाइस, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई है और सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 कार्ड्स देखने मिल जाते हैं, और एक है यहाँ पे एडकॉम का, जहाँ पे आपको थैंक यू लिखा हुआ दिखाई देगा, और अगर आप नेक्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट देखने मिल जाएगा इस कार्ड के थ्रू। और सेकेंड वाले पे आपको इनका सोशल मीडिया का हैंडल देखने मिल जाएगा और हैशटैग देखने मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पे इनका वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है। तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। और इतना कुछ बॉक्स के अंदर देखने मिल जाता है, तो सभी चीज़ों को एक एक करके यहाँ से निकालते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस ट्राइपॉड की, तो ये छोटू सा ट्राइपॉड है जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे, और इसे आप यहाँ से ढीला वगैरह कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको इसके लिए एक माउंट देखने मिल जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी वाला माउंट है, और इसे भी रख देता हूँ यहाँ पे मैं साइड में। और इसके बाद में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है पाउच, जहाँ पे आप अपने लेंसेज को कैरी कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिल जाती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक माइक्रोफैब्रिक क्लोथ देखने मिल जाएगा लेंसेज को साफ करने के लिए, और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इनका पिन है, यानी इसमें आप अपने लेंसेज को फिट कर सकते हैं और इसे कुछ इस तरीके से अपने स्मार्टफोन पे लगा सकते हैं आप, और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। इसके बाद में आपको यहाँ पे लेंस देखने मिल जाएगा सबसे छोटा वाला, तो इसमें आपको 2 लेंसेज फिट देखने मिल जाएंगे, जिसमें से एक है वाइड एंगल लेंस और जो ये बैक वाला है वो है मैक्रो लेंस, तो बीच में से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा ये वाला जो लेंस है वो है फिश आई लेंस 180 डिग्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा इसके बाद में। और सबसे लास्ट में हमें देखने मिल जाता है हमारा जो ऑब्जेक्ट वाला लेंस है, यानी टेलीफोटो जैसा जो लेंस है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है 8x का, आपको यहाँ पे जूम देखने मिलेगा इस लेंस में, और ये काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन के हिसाब से काफ़ी बड़ा लेंस देखने मिल जाता है आपको यहाँ पे। और सभी लेंसेज को यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे कि ये सारे लेंसेज कैसे काम करते हैं, और ये थे इसकी अनबॉक्सिंग। अब मैं इन सभी चीज़ों को टेस्ट करता हूँ और आप सभी को इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसा परफॉर्म करता है। ओके गाइस, तो अब इन सभी लेंसेज को 1 by 1 करके मैं आपको बताता हूँ कि इनके थ्रू आप किस टाइप के इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो वाले की, तो जो मैक्रो लेंस है वो साइज में काफी ज्यादा छोटा है, बट गाइस इट्स ऑसम, काफी अच्छे खासे इमेजेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इतने नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल लेंसेज है तो आप यहाँ पे पिक्चर के साथ
साथ में वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे खासे इमेजेस एंड वीडियोस आप इसके थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल के स्मार्टफोन में आपको मैक्रो लेंस देखने मिलता है, लेकिन वो काफी यूजलेस जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पे मैक्रो फोटोग्राफी देखने मिल जाता है इस लेंसेज के थ्रू। तो काफी अच्छा और काफी डिटेलिंग फोटोज आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है आपके प्राइमरी लेंस से, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करूं उसके नेक्स्ट लेंस की, तो वो है इसका वाइड एंगल लेंस। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका वाइड एंगल लेंस है वो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगा। जैसे नॉर्मली हमें स्मार्टफोन में देखने मिलता है वैसा वाइड एंगल नहीं है, आपको यहाँ पे एक सर्कल देखने मिल जाएगा जिसके अराउंड में आपको वाइड एंगल देखने मिलता है। और अगर बात करूं उसकी क्वालिटी की, तो अच्छी खासी क्वालिटी आपको यहाँ पे वाइड एंगल के लिए देखने मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे वीडियो वगैरह कैप्चर करते हैं, तो आपको काफी अच्छा खासा डिटेलिंग और काफी अच्छा खासा एरिया देखने मिलता है वाइड एंगल का। सो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे वाइड एंगल लेंस भी देखने मिल जाता है इसी के साथ में। और अगर आपको वाइडर एरिया कैप्चर करना है, फिर वाइडर वीडियो वगैरह निकालना है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और इन सभी के बीच में आपकी क्रिएटिविटी भी डिपेंड करती है कि आप इन सभी लेंसेज को यूज करके कितने क्रिएटिव इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करूं नेक्स्ट लेंस की, तो वो है फिश आई लेंस, जो कि नॉर्मली आपको स्मार्टफोन्स में देखने नहीं मिलता, इवन कैमरास वगैरह में भी देखने नहीं मिलता है। लेकिन ये लेंस मुझे यहाँ पे काफी सही लगा, जहां पे आपको 180 डिग्री का फिश आई लेंस देखने मिल जाता है। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स की, तो आप देख सकते हैं चाहे फिर वो वीडियो हो गया या फिर फोटोज हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे खासे आपको यहाँ पे क्रिएटिव टाइप के फोटोज या फिर वीडियोस देखने मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली आपको अपने स्मार्टफोन में देखने नहीं मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइप से यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप आउटडोर में हैं, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको और भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने मिल जाएगा इस लेंसेज के थ्रू। और इनडोर में भी आपको यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट देखने मिल जाता है इस लेंसेज के थ्रू। सो ये जो 180 डिग्री का फिश आई लेंस है, वो मुझे यहाँ पे काफी सही लगा, काफी क्रिएटिव लगा, और काफी क्रिएटिव इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हैं इस लेंस के थ्रू। इसके अलावा सबसे लास्ट वाले लेंस की बात करूं, तो वो है एक टेलीफोटो लेंस, जो कि काफी बड़ा है साइज में। अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन लेंसेज की, तो उनके हिसाब से काफी बड़ा है। और अगर बात करूं यहाँ पे आउटपुट की, तो काफी जबरदस्त आपको यहाँ पे आउटपुट देखने मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 8x का जूम देखने मिल जाता है इस लेंस के थ्रू में ही, जहाँ पे जो इमेजेस है वो फटते नहीं, आपको यहाँ पे काफी क्लियर एंड काफी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस देखने मिल जाते हैं, चाहे फिर वो वीडियो हो गए चाहे फिर इमेजेस हो गए। और अगर बात करूं यहाँ पे कुछ सैंपल्स की, तो आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि DSLR से इस फोटोज को निकाला गया है। काफी अच्छा खासा बोके या फिर ब्लर आप बोल सकते हैं जो बैकग्राउंड में, वो देखने मिल जाता है। इवन अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूं, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा खासा आउटपुट देखने मिल जाता है। और अगर आप इस फोटोज को किसी को दिखाएंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये स्मार्टफोन से निकाला गया है, ऐसा लगता है कि जैसे DSLR के थ्रू इस इमेजेस को निकाला गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेंसेज का कमाल है, और काफी अच्छे खासे इमेजेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं इस लेंसेज के थ्रू। और चारों लेंसेज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे ट्राइपॉड भी देखने मिलता है, साथ में उसका माउंट भी देखने मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेबल फुटेज कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इन ट्राइपॉड को यूज कर सकते हैं आउटडोर में। इवन इन लेंसेज को यूज करके आप अपने स्मार्टफोन का जो टाइम लैप्स या फिर स्लो मोशन वीडियो, उसे आप वाइड एंगल में फिश आई मोड में कुछ इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, तो काफी क्रिएटिव हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से यूज करते हैं और किस टाइप के इमेजेस या फिर वीडियोस कैप्चर करते हैं। बाकी अगर बात करूं मेरी, तो मुझे यहाँ पे जो उसका मैक्रो लेंस है वो काफी ज्यादा पसंद आया, और काफी नेक्स्ट लेवल के इमेजेस आप इसके थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि आपको इन सभी लेंसेज में से कौन सा लेंस सबसे अच्छा लगा, और ये सारे लेंसेज आपको कैसे लगे। सो अगर आप फोटोग्राफी काफी ज्यादा करते हैं स्मार्टफोन से, तो डेफिनेटली इस लेंसेज के लिए जाइए। और अगर बात करूं उसकी प्राइसिंग की, तो जिसकी प्राइसिंग है वो 1790, 1800 के आसपास ये वैरी होती रहती है। और ये अमेजोन पे अवेलेबल है, साथ में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो मैं दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली इसे बाय कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, साथ में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।